अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो हजारों दोस्त निकलाते हैं, क्लास फेलो निकलाते हैं, जो नहीं भी पढ़ते थे उस कॉलेज में वो भी कहते हैं मैं इनके साथ पढ़ा हूँ। 9.5 साल हो गए, मोदी जी का एक भी क्लास फेलो बाहर नहीं आया कि मेरे साथ पढ़ते रहे हैं वो। पता नहीं तो भेस बदल के जाते थे कॉलेज, पता नहीं तो जाते ही नहीं थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं उन हॉस्टलों की फीस पर GST लगा रहे हैं 18%। इसका मतलब तो ये नया नारा होना चाहिए बीजेपी का कि ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। अगर कोई आदमी थोड़ा कामयाब हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तो उसके 50 दोस्त निकलाते हैं, मेरा दोस्त है ये, बचपन में हम इकट्ठे खेलते थे। अगर वो आदमी MP जब मुख्यमंत्री हो जाता है तो हजारों दोस्त निकलाते हैं, हम इकट्ठे खेलते थे, आप नाम लेके देखना मेरा, मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो हजारों दोस्त निकलाते हैं, क्लास फेलो निकलाते हैं, जो नहीं भी पढ़ते थे उस कॉलेज में वो भी कहते हैं मैं इनके साथ पढ़ा हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब हैरानी है, 9.5 साल हो गए, मोदी जी का एक भी क्लास फेलो बाहर नहीं आया कि मेरे साथ पढ़ते रहे हैं वो। पता नहीं तो भेस बदल के जाते थे कॉलेज, पता नहीं तो जाते ही नहीं थे। अभी क्या किया है, जीएसटी लगा दिया सब चीजों पर। अभी नई खबर है कि जो हॉस्टल हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, उन हॉस्टलों की फीस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी जो फीस है हॉस्टल की, उस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। इसका मतलब तो ये नया नारा होना चाहिए बीजेपी का कि ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता फीस देने में कितनी दिक्कत होती है, मेस का बिल कैसे आता है। कभी हॉस्टल में गए हो तो पता चले, चौथी क्लास का आपको पता ही है, कहानी सुनाते हैं सीएम साहब, चौथी पास राजा, तो इनकी बातों में मत आना। बस्तर की धरती पर आज कुछ नया सोच, नया विचार लेके जाना है, बदलना है ये सिस्टम। बहुत हो गया, 70 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया। 1.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए, आज पूरे 1.5 साल हुए हैं। पूरी 36,097 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं मैं, 36,097 सरकारी नौकरियां। पुलिस में भर्ती हुई, बिजली बोर्ड में SDO रखे गए, पटवारी रखे गए, नए क्लर्क रखे गए, नए हरेक विभाग में ऑफिसर रखे गए, हर किस्म की भर्ती हो रही है और लगातार चल रही है। पेपर होता है हमारे यहाँ, पेपर लीक नहीं होता है, हमारे पेपर लीक नहीं होता है, पेपर होता है। और जिसके नंबर आते हैं, जिसके नंबर आ जाते हैं मेरिट में, उसको सरकार घर से लेके आती है, तेरा नंबर आ गया तुझे इतनी तारीख को नौकरी मिलेगी, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं, कुर्सियां खड़ी करके बताओ, कितने बेरोजगार, सारे बेरोजगार। देखो बेरोजगारी हाल, तो ये बेरोजगारी दूर करनी है।